देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव कुल 7 चरणों में होने वाले हैं। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में भी राज्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में पहला चरण 11 अप्रैल को, दूसरा चरण 18 अप्रैल को, तीसरा चरण 23 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल, पांचवा चरण 6 मई, छठा चरण 12 मई को और सातवां चरण 19 मई को होगा। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में करीब 7.6 करोड़ मतदाता वोट देंगे। इनमें 3.73 लाख 7,904 मेल जबकि 3.32 लाख 93,468 फीमेल वोटर्स हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आपके सीवान लोकसभा क्षेत्र के बारे में, वहाँ नॉमिनेशन से लेकर कब होंगे चुनाव इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में 11 अप्रैल को पहले चरण का जो चुनाव होगा उसमें बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण यानी 18 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण के चुनाव में 5 सीट झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में चुनाव होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 5 सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, पांचवें चरण यानी 6 मई को भी 5 सीट सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान होगा। वहीं छठे चरण 12 मई को वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सीवान और गोपालगंज, इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। जबकि सातवें चरण में 19 मई को 8 सीट नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और काराकाट सीट पर चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। अब आपको बताते हैं कि बिहार में आपकी सीवान लोकसभा सीट की चुनावी तारीखों के बारे में। सीवान लोकसभा सीट के लिए छठवें चरण में यानी 12 मई दिन रविवार को चुनाव होंगे। इसके लिए अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 अप्रैल है। नामांकनों की जांच 24 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों के नाम वापसी की तारीख 26 अप्रैल है। वहीं वोटों की गिनती 23 मई को होगी। मालूम हो कि सीवान लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,80,670 वोटर्स हैं। 2014 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने RJD के हिना साहिब को हराया था।